Hello everyone, welcome back to the Fundamentals of Power Electronics lecture series. This is our lecture number 37 on the topic AC Static Circuit Breaker, presented by Pradnya Kurde from Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. The course outcome is student will able to maintain industrial control circuit, and the learning outcomes are student will able to explain with sketches the working of AC static circuit breaker. In the previous lecture we studied DC static circuit breaker. This is the circuit diagram for DC static circuit breaker. इसमें हमने देखा था जब हम start button press करते हैं तो R4 के through start, then R3 के through इसको gate pass मिलती है T1 SCR को. मतलब जैसे start button press करेंगे तो R3 के through T1 को gate pass मिलेगी और तुरंत हमारा T1 SCR on हो जाता है. जैसे ही SCR T1 ऑन हो जाता है तो मेजर पार्ट ऑफ डीसी सप्लाई विल अपीयर्स अक्रॉस द लोड. T1 ऑन होने के बाद डीसी सप्लाई का मेजर पार्ट लोड को मिलना चालू हो जाता है. उसी के साथ साथ हमारा R4 के थ्रू से करंट कैपेसिटर में T1 में R1 इस तरीके से करंट फ्लो होता है तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है विथ राइट प्लेट पॉजिटिव. व्हेन the stop button is pressed, the current is flowing through the stop button through R5 through the gate current to the gate of SCR T2. जैसे ही गेट में से करंट फ्लो होगा SCR T2 के तो SCR T2 will turn on. और जैसे ही T2 on हो जाता है तो ये जो कैपेसिटर का पॉजिटिव है वो T2 के थ्रू T1 के एनोड को कनेक्ट हो जाता है और नेगेटिव T1 के एनोड को. तो जैसे ही T2 ऑन हो जाता है वो T1 को ऑफ कर देता है. और अगर T1 ऑफ हो गया तो इसमें से लोड करंट जो फ्लो हो रहा था वो क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा. तो इस तरीके से मैन्युअली प्रेसिंग द पुश बटन वी कैन मेक एंड ब्रेक द सर्किट. ऑल्सो ओवरलोड अगर आता है तो यहाँ पे R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है. उसके वजह से जो स्ट्रिंग है डायोड D1, D2 और D3 की वो फॉरवर्ड बायस होती है और इसमें से करंट फ्लो होते हुए T2 के गेट को मिलता है. जैसे T2 के गेट को करंट मिलता है जब ओवरलोड आता है तब, तो T2 जैसे ऑन हो जाता है और T2 ऑन होते बराबर वो क्या कर देता है, T1 को ऑफ कर देता है बाय कनेक्टिंग द पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर अक्रॉस द T1. और T1 ऑफ हो गया मतलब ही हमारा सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया, क्योंकि ये लोड के सीरीज में कनेक्टेड है. तो दिस इज द वर्किंग ऑफ डीसी स्टैटिक सर्किट ब्रेकर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एसी स्टैटिक सर्किट ब्रेकर. अभी ये एसी स्टैटिक सर्किट ब्रेकर है तो यहाँ पे इनपुट सप्लाई क्या रहेगा, एसी सप्लाई. इसमें दो SCR यूज किए हुए, एक SCR है T1 और एक SCR है T2 और एक स्विच यूज किए. पहले हम देखते हैं कि ये जब स्विच ऑन रहेगी तब, मतलब when the switch S is closed. इनपुट सप्लाई है AC सप्लाई, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी और नेगेटिव हाफ साइकिल. जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये अपर टर्मिनल पॉजिटिव है, तो ये दो SCR में से कौन सा SCR फॉरवर्ड बायस होगा जिसके एनोड को पॉजिटिव मिलेगा. तो यहाँ पे अपर टर्मिनल पॉजिटिव है तो T1 के एनोड को पॉजिटिव मिल रहा है और T2 के कैथोड को पॉजिटिव मिल रहा है. तो इसमें से T1 SCR क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा. ऑल्सो T1 रिसीव्स द गेट करंट थ्रू D2 पैरेलल R2 और यहाँ पे पॉजिटिव होने के कारण T2 तो ऑफ है पर D2 और R2 के पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू देन S थ्रू देन R3 then to the gate of T1. तो ये D2 R2 के पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू T1 को गेट सिग्नल मिलेगा. और जैसे ही गेट सिग्नल मिलेगा तो हमारा SCR T1 जो है वो ऑन हो जाएगा. SCR T1 ऑन हो गया मतलब
यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट है, यहाँ पे निगेटिव कनेक्ट हो जाएगा तो लोड को करंट मिलना चालू हो जाएगा। एट द एंड ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल T1 इज टर्न ऑफ ड्यू टू नेचुरल करंट जीरो। इसमें हमको पता है जब भी एसी सप्लाई रहता है तो एसीआर नेचुरली कम्यूटेट हो जाता है, हमने नेचुरल कम्यूटेशन पढ़ा है। तो एट द एंड ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट जीरो होने के कारण हमारा T1 SCR क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। देन ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में लोअर टर्मिनल पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव किसको मिलेगा, T2 के एनोड को। उसी के साथ साथ ये D1 भी फॉरवर्ड बायस हो गया तो ये R1 पैरेलल D1 के थ्रू इसको गेट करंट मिलेगा T2 को भी। तो T2 फॉरवर्ड बायस था, उसको गेट करंट भी मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा T2 SCR। जैसे ही T2 SCR ऑन हो गया तो हमारा जो इनपुट वोल्टेज है किसको मिलेगा, T2 के थ्रू लोड को मिलेगा, मतलब लोड को करंट आना चालू रहेगा। एट द एंड ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल, फिर से नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट होती आएगी तो हमारा T2 SCR टर्न ऑफ होगा ड्यू टू नेचुरल करंट जीरो। अभी अगर हमको सर्किट को ब्रेक करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो स्विच है इसको ओपन कर देंगे। देखते हैं, व्हेन द लोड करंट इज रिक्वायर्ड टू बी इंटरप्टेड द स्विच यस इज ओपन। इफ यू हैव टू इंटरप्ट द लोड करंट वी ओपन दिस स्विच, इट रिजल्ट्स इनटू द ब्लॉकिंग ऑफ गेट करंट। ये स्विच अगर ओपन कर दी तो ना तो ये SCR को गेट करंट आ पाएगा और ना ये SCR को गेट करंट आ पाएगा, तो दोनों SCR का गेट करंट ब्लॉक हो जाएगा। हेंस द बोथ द SCR आर टर्न, देयरफॉर दोनों SCR जो है वो क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। और SCR ऑफ हो गया तो लोड को करंट जाना बंद हो जाएगा, मतलब लोड इंटरप्ट हो जाएगा। व्हेन द AC इज ओपन एट एनी इंस्टेंट इन अ पर्टिकुलर हाफ साइकिल, अगर कोई भी हाफ साइकिल के बीच में अगर हमने उसको कहीं पे भी अगर ऑफ कर दिया, स्विच को ओपन कर दिया, देन द लोड करंट कंटिन्यूज टू फ्लो थ्रू द कंडक्टिंग SCR टिल द एंड ऑफ हाफ साइकिल। तो कैसे रहता है, गेट करंट की जरूरत स्टार्टिंग में रहती है SCR को ऑन करने के बाद, उसके बाद अगर हमने स्विच को ऑफ कर दिया तो कोई फायदा नहीं है, तो SCR वो पूरी मतलब हाफ साइकिल तक चालू रहेगी, बाद में नेचुरली करंट जीरो होते हुए वो ऑफ हो जाएगा। और बाद में जब दूसरे SCR को गरज रहेगी, जरूरत रहेगी गेट करंट की, तो स्विच ऑफ होने के कारण उसको गेट करंट नहीं मिलेगा और तब हमारा SCR मतलब सर्किट ब्रेकर ब्रेक हो जाएगा, सर्किट इंटरप्ट हो जाएगा। हाउएवर इन द नेक्स्ट हाफ साइकिल द अदर SCR विल नॉट फायर ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गेट करंट एज वी डिस्कस्ड। दिस इज द स्टैटिक AC सर्किट। Thus, the maximum time delay for breaking the circuit is 1/2 cycle. Summary: In this lecture, we studied and understand the circuit diagram and working of AC static circuit breaker. Assignment: Explain the AC static circuit breaker. The POs satisfied are as shown in this table. In the next lecture, we will going to learn about SMPS. Thank you for watching this video and keep learning.